नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी एलोवेरा से फेशियल, एलोवेरा से कैसे फेशियल किया जाता है। नेचुरल फेशियल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम पार्लर जाते हैं, तरह तरह के फेशियल लेते हैं और वो बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं, हमें कॉस्टली पड़ते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, फिर उनसे कोई फायदा भी नहीं होता। दो चार दिन के लिए हमारी स्किन ग्लो करती है, चेहरा निखरता है, लेकिन जैसे ही दो चार दिन पांच दिन होते हैं वो चेहरा फिर वापस डल हो जाता है। तो इससे अच्छा हम ऐसा फेशियल लें जो नेचुरल, जो हमारे हमेशा हमेशा के लिए हमारी स्किन सेफ भी रहे और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो। और दोस्तों, इसमें कोई केमिकल भी नहीं है, हर्बल है, और पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है और स्किन भी सेफ रहती है। सबसे बड़ा ये क्योंकि हमारी स्किन से ज्यादा पैसा भी मायना नहीं रखता, जो नेचुरल है, बिल्कुल 100% शुद्ध है। तो आज हम इससे फेशियल करेंगे, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फेशियल करना। तो मैंने ये एलोवेरा की लीव्स ली है, तो प्लांट से ली है, आप चाहो तो मार्केट में भी मिलती है, और ये ना मिले तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल भी ले सकते हो, लेकिन जहां तक हो सके सबसे बढ़िया यही है, तो आप ओरिजिनल ही लें। तो मैंने ये ले लिया, उसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे खड़ा कर देंगे ताकि इसमें जो येलो वाला पार्ट होता है, येलो वाला जेल होता है, वो निकल जाए। और उसके बाद हम इस लिप्स को इस तरह से इसके साइड से कांटे हटा देंगे। और इसको छील लेंगे और अंदर का इसका पल्प निकाल लेंगे। उसके बाद इसको मिक्सी में पीस लेंगे और मिक्सी के पीसने के बाद ये जेल बन जाएगा। तो इस तरह से उतारेंगे तो इसमें से ये जेल निकलेगा। और इसको हम मिक्सी में डाल के खूब सारा निकाल लेंगे, जितना हमें चाहिए, और मिक्सी में डाल के हम पीस लेंगे। पीसने के बाद हमें ये मिलेगा, तो देखिए मैंने पीस लिया, इस तरह से हो जाएगा ये जेल, और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है, एकदम शुद्ध है। तो अब हम फेशियल करना स्टार्ट करते हैं। फेशियल के हमारे चार स्टेप हैं, क्लेंजिंग, स्क्रब और मसाज, उसके बाद फेस पैक। तो हम वो बना लेते हैं, पहले चारों एक साथ ही बना लेते हैं। ये मैंने चार कटोरियां ले ली हैं। तो सबसे पहले हम एक चम्मच एलोवेरा जेल लेंगे क्लेंजिंग के लिए। तो मैंने एक चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया, इसमें दो तीन बूंद हम नींबू की डालेंगे। दो तीन बूंद नींबू की डाल दिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमारा क्लींजिंग तैयार हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे स्क्रब। स्क्रब के लिए भी बेस हमारा एलोवेरा ही है, तो हम एलोवेरा जेल ले लेंगे एक चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, मैं इसमें आधा चम्मच सूजी डाल रही हूँ, इसकी जगह आप चीनी भी ले सकते हो, लेकिन चीनी क्या है, थोड़ी सी क्रिस्टल वाइज होती है तो वो चेहरे पे लग जाती है, तो सूजी सबसे बेस्ट होती है, मैं सूजी ही डालती हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हनी। हनी भी हमारे चेहरे के लिए, फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये स्क्रब तैयार हो गया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम मसाज के लिए पैक बनाएंगे, तो उसमें भी डालेंगे एक चम्मच एलोवेरा। एक चम्मच के करीब ही डालेंगे बेसन, अगर बेसन की जरूरत और पड़ी तो और डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जितना आपके फेस पे लगा रहे हो, आप गर्दन तक लगा रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा बना लेंगे। मैं इसको फेस पे ही लगाऊंगी, इसलिए मैंने एक चम्मच बोल दिया। लास्ट में बच गया हमारा फेस पैक, जो फेस पैक भी मैं एलोवेरा का ही बनाऊंगी। तो मेरे पास जो बचा हुआ एलोवेरा जेल है, मैं सारे में ही एक विटामिन ई का कैप्सूल लेंगे और इसमें डाल देंगे। ये मैंने विटामिन ई का कैप्सूल लिया है, ये कोई कॉस्टली नहीं होता, मार्केट में 24 रुपए में एक दर्जन मिल जाती है। तो ये मैंने इसमें डाल लिया, उसको अच्छी तरह से मैश कर लूंगी। ये जो बचेगा इसको स्टोर करके रख सकते हैं 4-5 दिन तक, कुछ खराब नहीं होता इसका। ये तैयार हो गया हमारे सारे स्टेप के लिए, अब हम फेशियल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फेस वॉश से अच्छी तरह से चेहरे को वॉश कर लेंगे। और क्लींजिंग करने के लिए मैं ये एलोवेरा का एक पार्ट ही काम भी ले रही हूँ, ये ले रही हूँ। इसका मैंने ऊपर का जेल निकाल दिया और थोड़ा सा रख लिया, जो हमने बनाया था नींबू और एलोवेरा जेल का, उसी को इस तरह से डिप करेंगे इसमें।
और अच्छी तरह से चेहरे पे 2-3 मिनट के लिए मसाज करेंगी। इस तरह से आप आंखों के ऊपर भी इसको कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन मैं अगर आंखों पे करूंगी तो फिर आपको बताऊंगी कैसे, दिखाऊंगी कैसे, तो मैं इसको आंखों पे यूज में नहीं लेंगी। तो इस तरह से हम 2-3 मिनट के लिए मसाज करेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट हो गई हैं। अब हम इसको प्लेन वाटर से धो लेंगे, यानी नॉर्मल वाटर से धो लेंगे। अब क्लींजिंग हमारी हो गई है, अब स्क्रब करेंगे। एक स्टेप पूरा हो गया फेशियल का। अब इस तरह से 2-3 मिनट के लिए हम चेहरे पे अच्छी तरह से मसाज करेंगे और फिर चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लेंगे। अब 2 स्टेप हमारे हो गए फेशियल के और चेहरा अभी से देखो कितना चिकना चिकना हो गया था, ग्लो करने लग गया। अब हम इस पे फेस पैक लगाएंगे, इसकी मसाज करेंगे। तो ये हम इस एलोवेरा से ही कर लेंगे, इससे अच्छी हो जाती है मसाज। तो इस तरह से इसको डीप करेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको मसाज करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए 3-4 मिनट तक मसाज कर लिए, अब इसको सुखा लेंगे 5 मिनट के लिए, फिर चेहरे को हम नॉर्मल वाटर से धो लेंगे ठंडे पानी से। अभी हम हमारे फेशियल का लास्ट स्टेप है फाइनल, जो हमने विटामिन ई का कैप्सूल मिलाया था एलोवेरा जेल में, और कुछ नहीं है। तो एलोवेरा लीव्स लेंगे कटी हुई और इससे 2-3 मिनट के लिए मसाज करेंगे और 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। और फिर इसको धो लेंगे हम पानी से। और बहुत ही अच्छा, आप खुद करके देखना, बहुत ही अच्छा फेशियल रही। अगर एक बार ये फेशियल कर लोगे तो आप पार्लर जाना भूल जाओगे। तो इस तरह से अच्छे से 2-3 मिनट के लिए मसाज कर लेंगे और फिर 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे चेहरे पे ही। ये हमारा फेस पैक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से और कितने सस्ते में हमने घर में नेचुरल एकदम शुद्ध फेशियल बना लिया, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, ना हमारा टाइम पार्लर जाने का वेस्ट होगा, ना हमारा पैसा वेस्ट होगा, ना कोई साइड इफेक्ट है। सबसे बड़ी बात है एकदम हर्बल नेचुरल है ये। तो दोस्तों एक बार जरूर करना, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है इसका। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो।